हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैशर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्किट स्विचिंग के बारे में। सर्किट स्विचिंग गेट एंड यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले सर्किट स्विचिंग जो है वो जनरली डिज़ाइन की थी टेलीफोन नेटवर्क के लिए। जी, टेलीफोन नेटवर्क के लिए डिज़ाइन की थी सर्किट स्विचिंग और ये उस टाइम की बात है जब ओएसआई लेयर या टीसीपी मॉडल का कोई फंडा यूज नहीं होता था। मतलब आज हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। हम बोलते हैं कि कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद इन अ नेटवर्क टू शेयर सम डेटा। कंप्यूटर में हो सकता है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क से पहले जो नेटवर्क था दैट वाज व्हाट, टेलीफोन नेटवर्क। तो टेलीफोन नेटवर्क में डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते थे कौन सी टेक्निक, सर्किट स्विचिंग। तो यहां पे एक डायग्राम बनाया मैंने। तो डायग्राम में देखो आपको यहां पे ये टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं। जैसे हम आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि लैंडलाइन कैसे काम करते हैं, वही सेम मेथड है। टेलीफोन एक्सचेंजेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है और अगर किसी यूजर ने बात करनी है, किसी ने भी अगर दूसरे बंदे से बात करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन को सेटअप करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, रिसीवर उठा के नंबर डायल करते हैं और एक टोन जाती है, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ सेटअप द कनेक्शन। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कि कनेक्शन कैसे बनता है तो उसमें सबसे पहला फेज जो है वो क्या होता है, सेटअप टाइम। अगर हम टोटल टाइम, बिकॉज गेट में या यूजीसी नेट में अगर क्वेश्चन आता है तो या तो इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है या न्यूमेरिकल। तो हम पहले थ्योरी जो पार्ट है वो पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फिजिकल लेयर। सर्किट स्विचिंग एक्चुअली किसके ऊपर काम करती है, फिजिकल लेयर। मतलब क्योंकि हम बात करते हैं लेयर्स में कि एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया, नेटवर्क पे गया, नेटवर्क से डेटा लिंक पे आया, यहाँ पे कोई लेयर का फंडा ही नहीं है। यहाँ पे डेटा जो है, मतलब हमने रिसीवर उठाया, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और उसके बाद हमने एक फ्लो में बात करनी स्टार्ट कर दी। तो एक तरह से यहाँ पे फिजिकल लेयर का मतलब क्या है, कनेक्शन बनाना है, डिवाइसेज हैं उनको हमने कनेक्ट करना है। और देखो कनेक्ट कैसे होता है यहाँ पे कि T1 ऑलरेडी कनेक्टेड है टेलीफोन एक्सचेंज से। हमारा लैंडलाइन जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, हमारे जो शहर के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज है उसके साथ कनेक्टेड है। वो टेलीफोन एक्सचेंज दूसरे शहर के साथ कनेक्टेड है और वहां पे जिससे हमें बात करनी है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर T1 लेट्स से T5 से बात करना चाहता है, T1 वांट टू कम्युनिकेट विद T5, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो डिवाइस है मल्टीप्लेक्सर की तरह काम कर रहा है, many to one, मतलब यहां से many लोग कैन बी कनेक्टेड और वहां से वन वायर इज गोइंग देयर। तो यहां पे कनेक्शन जो है वो इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है, बस सर्किट को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो यहां से सर्किट जुड़ गया और यहां से एक पोर्ट इसके साथ और एक पोर्ट इसके साथ जुड़ गया। अब यहां पे एक पूरा पाथ बन गया, एक पूरा डेडिकेटेड पाथ बन गया और वो डेडिकेटेड पाथ जो है वो यूज होता है टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा याद रखना, डेडिकेटेड सर्किट स्विचिंग यूज करता है डेडिकेटेड पाथ। डेडिकेटेड पाथ का मतलब है कि ऑल्दो ये लोग आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल इट लुक्स लाइक कि ये आपस में कनेक्टेड है डेडिकेटेडली। क्योंकि एक बार जब कनेक्शन बन गया, अब जितनी मर्जी देर बात करते रहो फोन पे, जब तक आप फोन कट नहीं करते तब तक आप डेटा को फ्लो कर सकते हो। और इसी के ऊपर दूसरा पॉइंट है कॉन्टिग्यूअस फ्लो। कॉन्टिग्यूअस फ्लो का मतलब है कि एक बार जब कनेक्शन बन गया, एक बार जब आपने बात करनी स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप कॉन्टिग्यूअसली डेटा जो है वो फ्लो करते रहोगे। जो हम लेयर्स में बात करते हैं, जब हम लेयर्स के अंदर बात करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि वहां से ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया, सेगमेंट्स को पैकेट्स में, पैकेट्स को फ्रेम्स में। इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है, आप सीधा बात करनी स्टार्ट करो और सारा का सारा डेटा आप कॉन्टिग्यूअसली फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो ये है कि अगर T1 T5 को डेटा भेज रहा है तो वो डेटा आउट ऑफ फ्लो जा सकता है। आउट ऑफ द फ्लो, आउट ऑफ फ्लो का मतलब है कि लेट्स से पैकेट 1, आई एम जस्ट रिज्यूमिंग इट, ऑल्दो ये पैकेट का फंडा नहीं है, बट अगर इस केस को आपको पूछ लेते हैं कि अगर मैं इसी नेटवर्क को, इसी सिस्टम को यूज करता हूं पैकेट्स को भेजने में। लेट्स से 3 पैकेट भेज रहा हूं P1, P2, P3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि T5 के पास पहले P2 पहुंचे, फिर P3, फिर P1? दिस इज कॉल्ड द आउट ऑफ ऑर्डर। नो, ये आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता, ये हमेशा इन ऑर्डर में ही जाएगा। बिकॉज अगर आप फोन पे बात करें हेलो हाउ आर यू, तो हाउ आर यू पहले नहीं जाएगा, हमेशा पहले क्या जाएगा, हेलो हाउ आर यू व्हाट यू आर डूइंग। तो ये जो है लाइंस वो इन ऑर्डर में, मतलब एक फ्लो में जो है वो चलती रहेंगी। तीसरा पॉइंट है हेडर्स। हेडर्स का फंडा हम क्यों यूज करते हैं, हमें डेटा के साथ बताना पड़ता है एड्रेस। एड्रेस मतलब मेरा सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। जैसे हम नेटवर्क लेयर में बात करते हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम बोलते हैं कि सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और मैक, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यहां पे आपको कोई एड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, कोई हेडर की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने सेटअप कर दिया, यही तो एडवांटेज है सेटअप का। सेटअप में ऑल दो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक बार सेटअप हो गया, एक बार कनेक्शन जो है वो बन गया, उसके बाद आपको कोई हेडर्स लगाने की जरूरत नहीं है। डेटा आपका प्रॉपरली फ्लो होएगा, बिकॉज आपने सेटअप में किया क्या, आपने रिजर्वेशन की है सेटअप में। रिजर्वेशन का मतलब है आपने ये पोर्ट रिजर्व कर लिया, अब ये पोर्ट आपका हो गया जब तक आप कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करते। आपने बैंडविड्थ, इस चैनल की, इस लिंक की बैंडविड्थ आपने रिजर्व कर ली, आपने बफर रिजर्व कर लिया, आपने जो है रिसोर्सिस को रिजर्व कर लिया। अब वो रिसोर्सिस को कोई और यूजर नहीं कर रहा, तो आप अकेले यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हेडर्स की जरूरत ही क्या है। एक लाइन में ही पैकेट जाते रहेंगे और विदाउट एनी हेडर, मतलब ना मेरे को बताना कि मेरा एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन का ये है। वो तब जरूरत पड़ती है जब रास्ते में कोई उसको लेके फिर डिसाइड करे कि किस तरफ भेजना है। यहाँ तो ऐसा कोई डिसाइड ही नहीं है, एक लाइन में ऑल दो कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है डेडिकेटेडली। एफिशिएंसी, हाँ अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी सर्किट स्विचिंग की लेस है। व्हाई इट इज लेस, एक्चुअली वही जो रिजर्वेशन का फंडा मैंने अभी बोला कि जब हमने रिसोर्सिस को रिजर्व कर लिया, तो उसका मतलब क्या बना कि रिसोर्सिस रिजर्व होने के बाद कोई बंदा उसको यूजर, कोई और शेयर नहीं कर सकता। लेट्स से आपने फोन पे बात स्टार्ट की, बात करते करते आप बोल रहे हो कि 2 मिनट यार मैं अपना सीरियल कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। आपने फोन को कट नहीं किया, आपने रिसीवर को साइड पे रख दिया, तो कनेक्शन अभी भी ऑन है, वो रिजर्वेशन अभी भी, बैंडविड्थ आपकी, बैंडविड्थ आपने रिजर्व कर रखी है, लेकिन क्या आप डेटा भेज रहे हो, क्या आप बात कर रहे हो, नहीं कर रहे। तो अननेसेसरी यहाँ पे रिसोर्सिस आप रिजर्व करके बैठे हो, उसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। देन डिले, डिले इज लेस, हम सर्किट स्विचिंग में बोलते हैं डिले जो है वो कम है। ये हम किस डिले की बात कर रहे हैं, जो रास्ते में नोड्स आ रही है, रास्ते में नोड्स का कोई डिले नहीं है। बिकॉज हमने जब बोल दिया कि यहां से पैकेट निकल के इस पोर्ट से इस पोर्ट, यहां से इस पोर्ट से इस पोर्ट, तो बीच में वो पैकेट को कोई भी रोकेगा नहीं। जैसे हम पैकेट स्विचिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पैकेट स्विचिंग या मैसेज स्विचिंग में होता क्या है, जो बीच में डिवाइसेस है, राउटर्स हैं, वो राउटर्स पैकेट को स्टोर करके, प्रोसेस करके फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे कोई स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड ही नहीं है। डेटा आपने जैसे ही बात करनी स्टार्ट की, रास्ते में कोई उसको स्टोर करके फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो एक फ्लो में पैकेट चलता रहेगा, कोई भी उसको रोकेगा नहीं। तो इसकी वजह से जो डिले है वो कम होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं, हम डेटा को डिवाइड करके सेंड नहीं कर सकते, और हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, एफिशिएंसी। तो इसीलिए सर्किट स्विचिंग जो है वो टेलीफोन नेटवर्क के लिए गुड है, लेकिन अगर हम बात करें मैसेजेस को, ईमेल्स के लिए, व्हाट्सएप, इन टाइप की सर्विसेज के लिए, या स्पेशली बोले अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, वहां पे ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे टोटल टाइम के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है कि अगर आपको बोल दें कि टोटल टाइम कितना लगा, तो सबसे पहले सेटअप टाइम। सेटअप टाइम मैंने ऑलरेडी बताया, रिजर्वेशन करने में जो टोटल टाइम है, दैट इज कॉल्ड द सेटअप। ये आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो ये हमेशा गिवन होगा। प्लस ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम का मतलब है कि अगर आपने एक बार सेटअप बना दिया, एक बार कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, अब आपको क्या करना है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, मतलब आपको कितना मैसेज भेजना है उसको डिवाइड करो बैंडविड्थ से, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन टाइम। प्लस प्रोपेगेशन डिले। व्हाट इज द प्रोपेगेशन डिले, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी प्लस टीयर डाउन टाइम। टीयर डाउन का मतलब है कि जब आपने कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया सारे रिसोर्सेज को आपको फ्री करना पड़ेगा। तो ये टोटल टाइम हम बोल सकते हैं। इन केस अगर आपको बोल रहे हैं कि अगर हम सर्किट स्विचिंग को यूज करें आज के टाइम पे मैसेजेस या पैकेट्स को भेजने के लिए, तो टोटल टाइम क्या होगा? दिस विल बी द टोटल टाइम। तो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट एंड मेजर पॉइंट्स related to the circuit switching. Thank you.